Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notification. Don't forget to hit the like button. अब जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं वो है ट्रांजिशन सीरीज एंड ट्रांजिशन ट्रायड्स। तो यहां पे ये है ट्रांजिशन सीरीज एंड ट्रायड्स। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ट्रांजिशन सीरीज जो है ये देखिए ये भी एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज है, और ये जो फोर्थ पीरियड है ये बताइए फोर्थ पीरियड में डी कौन सा है, थ्री डी है। तो यहां पे हम लिखेंगे ये ट्रांजिशन सीरीज है, और ट्रांजिशन सीरीज हमारे पास एक है 3D, एक है 4D, एक है 5D। देखिए हर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 10 एलिमेंट्स हैं। ये ट्रांजिशन सीरीज है, हर ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट हैं, लेकिन ट्रांजिशन तो सिर्फ 9 ही है, सिर्फ नेम है ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज डज नॉट मीन दैट ऑल द एलिमेंट्स विल बी ट्रांजिशन। तो यहां पे 3D में हम चाहे 4D और 5D हम देखते हैं 9 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चाहे 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, इसमें आपको यही दिखने वाला है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जैसे मान लिए मैं यहां से लेता हूं 3D सीरीज, अब बताइए 3D1 में क्या है, 21 से लेके 30 तक है। 3D एटॉमिक नंबर 21 to 30। अब देखिए 10 एलिमेंट तो हो गए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो सेकेंड डी ग्रुप एलिमेंट है ये देखिए, अब यहां से मैं इसको थोड़ा सा हटके अलग कर देता हूं, ये हमारा सेकेंड डी ग्रुप एलिमेंट्स है, और ये जो सेकेंड डी ग्रुप एलिमेंट्स है ये ट्रांजिशन तो नहीं है, ये डी ब्लॉक तो है। तो यहां पे जो 21 से 30 है उसमें 9 ट्रांजिशन एंड जिंक ओनली डी ब्लॉक। तो ये देखिए 3D सीरीज है। उसी तरह से जब आप 4D सीरीज में जाएंगे, मैं ये रब इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आपके रेफरेंस के लिए सामने हो ये। अब यहां पर देखिए 4D सीरीज जो है एटॉमिक नंबर 39 है, और लास्ट एलिमेंट क्या है 48। तो ये हो गया 39 to 48, और यहां पे भी हम क्या कहेंगे 9 ट्रांजिशन है और कैडमियम ओनली डी ब्लॉक कहलाए गए। तो ये हो गया 4D सीरीज। उसी तरह से यदि हम जाते हैं 5D सीरीज में, तो देखिए यहां पे हम ये नहीं कह सकते 57 to 80। यदि आपने 57 to 80 कहा तो ये जो 58 से 70 वाले वो भी आ जाएंगे, हम भी ट्रांजिशन हैं क्या, उनको नहीं बुलाना है। तो यहां पे हम लिखेंगे 58 में 58 से 71 को हटा देंगे, तो लिखेंगे एटॉमिक नंबर 57 एंड अब हम स्टार्ट करेंगे 72 से 80 एंड, तो HF की जगह मैं यहां पे एटॉमिक नंबर ही देता हूं एंड 72 to 80। तो यहां पे भी आ जाएगा 9 ट्रांजिशन और मर्क्यूरी जो है ये हो जाएगा ओनली डी। तो देखिए ट्रांजिशन सीरीज हमने लिया है 3D 4D 5D सीरीज, ये सारे के सारे एलिमेंट जो 10 हैं ये ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं, लेकिन 10 में से 9 ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो ट्रांजिशन का मतलब ट्रांजिशन ये सीरीज है पूरे 10 एलिमेंट्स का। तो ये 3D 4D 5D हो गया, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक दिया है ट्रांजिशन ट्रायड्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहां पे आयरन कोबाल्ट, देखिए ये जो है ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये देखिए यहां पे ये तीन जो ग्रुप्स एक साथ हैं भाई, आयु पैटर्न साथ तो ये 8 10 10 हो गए,
8 and 10 हो गए। लेकिन यदि हम लेते हैं यह सिस्टम तो ओनली 8D ग्रुप है। तो देखिए ये तीन एलिमेंट का सेट है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रोडियम, रोडियम पैलेडियम एंड ऑस्मियम इरिडियम प्लैटिनम। ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट का जो सेट है, ये कहलाता है ट्रांजिशन ट्रायड्स। तो अब मैं ट्रांजिशन ट्रायड्स को यहां पे एडजस्ट करता हूं। मैं ट्रांजिशन ट्रायड्स, अब ये देखिए ट्रांजिशन ट्रायड्स के अंदर आयरन, कोबाल्ट, निकेल, तो ये पहले हम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। ये हो गया आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लैटिनम। ये देखिए ये जो तीन एलिमेंट का सेट है इसको कहते हैं हम ट्रांजिशन ट्रायड। ठीक है, अब यहां पे देखिए तीन सेट है, एक आयरन, कोबाल्ट, निकेल का है, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम का है। तो इन तीन ट्रायड का भी नाम है। अब देखते हैं इनका क्या नाम है। मैं रब कर दूं यहां पे, चलिए आप नोट कीजिए। यहां मैं आपको छोड़ देता हूं, आप इसको नोट कीजिए। यस, अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रांजिशन ट्रायड है इनका नाम क्या है। तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन ट्रायड, इसको हम कहते हैं आयरन ट्रायड। ये कहलाता है आयरन ट्रायड। क्यों आयरन ट्रायड? क्योंकि आयरन एक एलिमेंट है। लेकिन जब आप सेकेंड ट्रायड का नाम देखोगे तो थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। तो हम लिखेंगे सेकेंड ट्रांजिशन ट्रायड। देखिए एलिमेंट तो यहां पे, जैसे फर्स्ट जो ट्रायड था उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन थे? आयरन, कोबाल्ट, निकिल। तो इस आयरन की वजह से हमने नाम दे दिया आयरन ट्रायड। लेकिन सेकंड के अंदर कौन कौन से हैं? रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम। दूर दूर तक मुझे कहीं प्लैटिनम तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नाम है लाइट प्लैटिनम ट्रायड। नाम है लाइट प्लैटिनम ट्रायड। तो अब ये जानना जरूरी है कि भाई प्लैटिनम है नहीं तो लाइट प्लैटिनम ट्रायड क्यों? तो उसका कारण ये है कि जो रुदेनियम, रोडियम, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, इनका जो डेंसिटी है वो प्लैटिनम के डेंसिटी से जस्ट हाफ है। हर एलिमेंट का नियरली एलिमेंट जो है प्लैटिनम का जस्ट हाफ है, इसलिए नाम हो गया लाइट प्लैटिनम ट्रायड। तो यहां लिखेंगे डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स, ये अपना रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इज नियरली हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ प्लैटिनम। अब देखिए जब प्लैटिनम का नाम हमने यूज किया लाइट प्लैटिनम ट्रायड, तो जब हम थर्ड ट्रायड में जाएंगे, थर्ड ट्रायड, अब ये बताइए थर्ड ट्रायड यहां क्या लिखेंगे? थर्ड ट्रांजिशन ट्रायड, जैसा यहां पर हमने लिखा है थर्ड ट्रांजिशन ट्रायड। और यहां पे एलिमेंट्स लिखेंगे पहले हम ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लैटिनम। ये प्लैटिनम कह दिया। अभी देखिए आपने लाइट प्लैटिनम वर्ड यूज कर लिया तो मुझे तो हेवी प्लैटिनम ट्रायड यूज करना पड़ेगा, और यही कारण है कि इसका नाम हो गया हेवी प्लैटिनम ट्रायड। तो बिल्कुल क्लियर है। यहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे 3D सीरीज हमने देखा था, लेकिन ये है ट्रायड, और ट्रांजिशन ट्रायड जो है वो तीन है, तो उसका नाम हमने रख लिया। इसके बाद हर ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट में से 9 ट्रांजिशन था। तो ये ट्रांजिशन सीरीज एंड ट्रांजिशन ट्रायड के बारे में मैंने आपको बताया है।